मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 सितंबर के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी आयोजन स्थल पर रामपुर रोड स्थित आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल पहुंचकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। हेलीपैड से लेकर पंडाल तक सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल करने को कहा गया है। आयोजन जहां होगा वहां पर पंडाल सजने लगा है। 2 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में रोजगार मेले में पहुंचेंगे। वो यहां नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे, वहीं टैबलेट का भी वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही 166 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वो यहां कई अन्य लाभार्थी परक योजनाओं से संबंधित चेकों का भी वितरण करेंगे। कमिश्नर मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह का कहना है कि आवश्यक इंतजाम मुकम्मल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। पहले से ही हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, किसी भी तरह की कोई खामी नहीं रहने दी जाएगी। रोजगार मेले के लिए कंपनियों के स्टॉल कहाँ लगेंगे और किस तरह लाभार्थियों को बैठा जाएगा, इस पर भी फोकस किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 सितंबर को यहाँ पर दौरा प्रस्तावित है। ये एक्चुअली बृहद रोजगार मेले के लिए हो रहा है, जो शासन के द्वारा योजना संचालित की जा रही है, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, स्वरोजगार योजनाएँ, इन सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। उसमें जो शासन के निर्देशानुसार जो बच्चे जिनको ट्रेनिंग दी जाती है उनको विभिन्न कंपनियों में प्लेसिंग भी की जाती है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा होकर उनको लगता है करीब 150 से ज़्यादा कंपनियां आ चुकी हैं जो हमारे युवाओं को रोज़गार देने के लिए, प्लेसमेंट देने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। और कम से कम 10,000 बच्चे, उससे ज़्यादा ही, इस बृहद रोज़गार मेले के अंतर्गत उनको या तो विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट मिलेगा या फिर उनको स्वरोजगार के लिए ऋण आवंटन किया जाएगा जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके अंतर्गत, और जो स्टार्टअप करना चाह रहे होंगे उनके लिए अलग तरीके का, ये सारी चीज़ें करीब 10,000 से ज़्यादा युवाओं को इसमें लाभ इससे प्राप्त होगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिनको शासन की योजना के तहत लैपटॉप और टैबलेट वितरण किया जाना है उनको लैपटॉप टैबलेट भी वितरण होना है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे लिए है और उसकी तैयारी भी जैसे यथारूप जैसे चाहिए उस हिसाब से कर ली है। वहीं पर प्लेसमेंट के लिए बच्चों के लिए जो वहाँ पे आने वाले युवा हैं उन युवाओं के लिए जो व्यवस्थाएं करनी है वो सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। जो गैदरिंग है उसके लिए व्यवस्थाएँ हो चुकी हैं और जो विभिन्न योजनाओं का या तो लोकार्पण या शिलान्यास होना है उसकी भी व्यवस्था कर ली गई। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।